देखते रहेंगे। ये चेन है, आप देखें पीछे चला जाए अगर आप ये बात कहें जी कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, वो कहेंगे ये आपको जो 16 रुपया दिया है इंसाफ ही, और क्या चीज़ 16 रुपया दिया ना, ये ईडन सोसाइटी की बात हो रही है। 16 दिया है ईडन को कितने साल बाद, 14 साल। इस 16 अरब में से डिवाइड करके आपने क्या बताया, 23% 23% क्या 23% ही बड़ी है डिवैल्यू हुआ नोट आपकी, हाइपर इन्फ्लेशन हो चुका है, डॉलर का रेट देखें, ये बात में जैसे सोने चांदी का रेट देखें, वो कहेंगे दिस इज नॉट ए बैंक, आपने बैंक में रखा तो जब इंटरेस्ट मांग रहे हैं, जो एक जजने में साफ लगा जाएगा जो मिलता है ले लें। अब बताएं मुझे दूसरी बात क्या करवा रहा है, ईडन का जज ही तो था जो करवा गया सब, आप चीफ जस्टिस डॉक्टर जावेद मिजान, वो कहते हैं कि अगर आप किसी को कर्जा देते हैं, कर्जे की शराइत में आप ये लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं और ले सकते हैं शरण कि आप रोट नोट, चूँकि कागज़ है, कागज़ की नोट की कोई वैल्यू नहीं है, डी वैल्यू होता है, तो जो जिस वक्त आप पैसे वापस करेंगे जो उस वक्त का वैल्यू होगा सोने का रेट के मुताबिक आप उनको वो करेंगे। पहले ज़माने में चूँकि सोने के सिक्के होते थे या चांदी के सिक्के होते थे, वो साल हर साल उनकी रेट गिरता नहीं था, आज भी अगर सोने के सिक्के हों मेरे ख्याल से डी वैल्यू नहीं होगा, नहीं होंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मेरा क्लाइंट क्या था दुबई का, कहता है यार मैं सोने कागज़ आप छापते जाएँ, मुल्क में जितने कागजी नोट छपेंगे उतना ही डी वैल्यू होगा। कल वकार भाई ऑक्सीजन मास्क लगा के एम्बुलेंस पे आए थे, मैंने उनको बताया कि सब इन्फिनिक्स का सारा मसला है, इसको खरीद लें आप जब आपने बचा।